और इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जन्नत नजीरवादी को जहन्नुम बना दिया। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और लॉकडाउन के 173वें रोज भी कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। दूसरी जानिब काबिज फोर्सेस के घरों पर छापे और गिरफ्तारी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। मकबूजा कश्मीर में 173 रोज से जारी बदतरीन कर्फ्यू ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया है। जुल्म और बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम की तस्वीर बना डाला। वादी में तालीमी इदारे, दफातर और तिजारती मराकज भी बंद हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी ताहाल मुअत्तल है। वादी में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, यहाँ तक के बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं। उधर बर्फबारी ने कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शदीद सर्दी में कश्मीरी बूढ़े और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इलाज मुआलजे की तमाम राहें बंद हैं। तो दूसरी जानिब काबिज फोर्सेस घर घर छापे मारकर बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रही है। 5 अगस्त से अब तक खवातीन समेत दर्जनों कश्मीरियों को शहीद, मुतादद जख्मी जबकि सैकड़ों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आजादी के मतवाले हार मानने को तैयार नहीं। एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए 80 लाख कश्मीरी भारतीय जबर से निजात के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। तहम अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों की मुजरिमाना खामोशी ताहाल बरकरार है।